तमाम इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, उनके बारे में भी मुख्तसर सी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने फेमिनिस्ट लिटरी थॉट के अंदर या फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप करने में अपने व्यूज शेयर किए। जब हम फेमिनिस्ट लिटरी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे होते हैं तो हम उन तमाम आइडियाज जो कि इन या मशहूर इंपॉर्टेंट राइटर्स से ओरिजिनेट हुए हैं उनको भी मद्देनजर रखते हुए लिटरी टेक्स्ट को एवेलुएट करते हैं। इसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट थीरीज और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको भी मद्देनजर रखते हैं, वेव्स को देखते हैं, ताकि कि हम किस तरह से लिटरी टेक्स्ट में हम देख सकें कि खवातीन को या किसी भी जेंडर को स्पेशली वेमेन को जो है मार्जिनलाइज किया गया है या उनको जो है वो बिल्कुल ही कॉर्नर किया गया है। तो इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो सेंट्रल क्वेश्चन है इसके अलावा वेव्स हैं, टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म या स्कोप हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और इन इंपॉर्टेंट राइटर्स या थ्योरिस्ट को भी डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ये जो फील्ड है पर्टिकुलरली डेवलप होती जा रही है। तो हम इंपॉर्टेंट अगर हम राइटर्स की बात करें तो सबसे पहले मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का नाम आता है जिन्होंने ये कहा कि खवातीन बराबर हैं, उनको बराबरी के सतह पर हकूक जो है वो मिलने चाहिए और अगर एक जो है इक्वालिटी बेस्ड जो है वो फाउंडेशन रख दी जाए तो खवातीन भी उतना ही काम कर सकती हैं जितना कि मर्द काम कर रहे हैं। इनकी मशहूर किताब का नाम भी नीचे दर्ज झेल है। फिर सुज़न बी एंथनी जो है उन्होंने दो इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट्स हैं अमेरिका में, नेशनल अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन और नेशनल और अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन जो कि वोटिंग राइट्स के बारे में थी उनको इकट्ठा करने में काम किया। इसके बाद हम एलिजाबेथ कैडी स्टेंटन के बारे में बात करते हैं जो कि पहली खातून थी जिन्होंने वेमेन राइट कन्वेंशन जो है मुनाकिद किया जिसमें खवातीन के हकूक यानी राइट टू वोट के बारे में बात की गई। याद रहे 1848 में एक कन्वेंशन हुआ था 2 दिन का न्यूयॉर्क में अमेरिका में जो कि सेनिका फॉल्स कन्वेंशन के नाम से मशहूर है जिसमें खवातीन के सामाजिक पोलिटिकल सोशल राइट्स के मुतालिक बात की गई थी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था 1848 में जो कि कंडक्ट हुआ। वर्जीनिया वुल्फ मशहूर नावलिस्ट जो कि दोनों जेंडर्स की इक्वालिटी की बात करती हुई नजर आती है अपनी मशहूर एक ऐसे रूम ऑफ वंस ओन में ये प्रोपोगेट करती हुई नजर आती है कि इफ वेमेन वर टू राइट दे शुड बी गिवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अर्न एन अपार्टमेंट और रूम और शी मस्ट हैव अ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर टू लिव हिज लाइफ ऑफ हर ओन, ताकि ये भी अगर खातून ने लिखना है तो उसको ये तमाम फैसिलिटीज जो है वो मिलनी चाहिए। और सिमोन दे बेवोर सेकंड सेक्स अपनी मशहूर किताब के हवाले से मशहूर है जिनका ये हमें कोटेशन हमारे जहन में आती है कि वन इज नॉट बॉर्न अ वेमेन बट बिकम्स अ वन, कि यानी खातून जो है या कोई भी वेमेन जो है वो उसकी जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। जो उसकी जो सेक्स है वो तो मेल या फीमेल तो हो सकती है लेकिन जो मैस्कुलिन या फेमिनिन का जो कंसेप्ट है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और उसको बना दिया जाता है। वो भी बराबरी की सतह पर इक्वल राइट्स करती की डिमांड करती है और कहती है कि खवातीन को बुनियादी सहूलियात देने के लिए जो सोशल और एजुकेशनल रिलेटेड जो कस्टम्स हैं उनको चेंज करने की जरूरत है। जूलिया क्रिस्टेवा इनका मशहूर नाम सुनते ही आपके इंटरटेक्सुअलिटी का नाम जहन में आता है जो कि कहते हैं कि मल्टीपल सेक्सुअल आइडेंटिटीज को इंक्लूड करने की जरूरत है, जिससे जहन में आता है हमारे क्वीर थीरी का कंसेप्ट जिसमें ना सिर्फ मेल फीमेल बल्कि वो जेंडर्स जो अपने आप को इन टर्म्स के अंदर एसोसिएट नहीं करवाती उनकी भी इंक्लूजन शामिल है। इसके बाद हम अगर जोडिट बटलर की बात करें जिन्होंने जेंडर ट्रबल में अपनी ये क्वीर थीरी का कंसेप्ट हमें नजर आता है जिसमें कि वो ये कहते हैं कि जो जेंडर है वो बेसिकली एक प्रोडक्ट है सोसाइटी की और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है और वो क्वीर थीरी का कंसेप्ट हमें देते हैं। अगर हम क्वीर थीरी की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स इंक्लूजन ऑफ अदर सेक्सुअलिटीज टू हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज अ मेल और फीमेल और मैस्कुलिन और फेमिनिन, और इस तरीके से तमाम चीजों की इंक्लूजन हमें नजर आती है 1990 से ऑनवर्ड जिसको हम अब एलजीबीटी भी कहते हैं या क्वीर कह लें आप। तो ये आइडिया भी हमें यहाँ से डेवलप होते हुए नजर आता है। एलेन शॉल्टर जिन्होंने गायनो क्रिटिसिज्म यानी पर्टिकुलरली क्रिटिसिज्म ऑफ या क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ विमेन्स राइटिंग है वो नजर आती है तो इनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन हमें नजर आती है। बेटी फ्रेडन जिनकी मशहूर किताब द फेमिनिन मिस्टेक बहुत सारी अफ्रीकन जो बहुत सारी जो अमेरिकन वुमेन हैं उनको एक मैसेज कन्वे किया कि किस तरीके से उनका जो लिमिटेड रोल है वो एक बुनियादी वजह है कि वो बहुत सारे लीडरशिप या बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल पर वो सामने नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये इसके साथ अगर हम माया एंजेलो अमेरिकन पोइट की बात करें एक पब्लिक स्पीकर जो कि इंस्पायरेशन है अफ्रीकन अमेरिकन वेमेन के लिए कि किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है एक्चुअली डेट्रीमेंटल फॉर देयर प्रोग्रेस फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी। इसके साथ साथ बहुत सारी राइटर्स जैसे कि ओपरा विनफ्रे, बेल हुक्स, शेरिल सैंडबर्ग, टोनी मॉरिसन वगैरह भी शामिल हैं जिन्होंने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया इस थॉट को डेवलप करने में और इन तमाम आइडियाज को प्रोपोगेट करने में कि किस तरह से खवातीन को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के जरिए साइडलाइन किया गया। बहुत सारे स्कोप भी हमको भी हम डिस्कस करेंगे। अब अगर हम फेमिनिज्म के बारे में बात करें तो ये देखती है कि किस तरह से लिटरेचर या कल्चरल जो वर्क्स हैं वो खवातीन को इकोनॉमिकली पॉलिटिकली और सामाजिक तौर पर जो है वो सप्रेस्ड करते हैं के साथ साथ ये क्वेश्चन करती है कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह क्या है, प्रेजुडिसेस की वजह क्या है और पेट्रियार्की एक जो निजाम है जिसमें मेल को डोमिनेंस शामिल है उनको चैलेंज करती है, खवातीन के मुतल्लिक पाए जाने वाले फरसूदा रवैयात और रुझानात को भी चैलेंज करती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें फेमिनिज्म
फर्क करती है जेंडर और सेक्स। सेक्स एक बायोलॉजिकल एक कंसेप्ट है जिसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन का, मेल और फीमेल का कंसेप्ट आता है, जबकि जेंडर में जो कि कल्चरल प्रोग्रामिंग है, कल्चरल प्रोग्रामिंग से मुराद यूं समझ लीजिए कि जब हम ग्रो अप होते हैं तो मेल को एक सेपरेट तरीके से ट्रीट किया जाता है, दे आर ट्रीटेड इन अ वे दैट दे शुड वर्क आउटसाइड, और वेमेन को स्पेशली उनको डॉल दे देना या उनको एक पर्टिकुलर रोल अलॉट कर देना, तो दैट मेक्स देयर जेंडर। तो एक सामाजिक तौर पर एक जेंडर को क्रिएट कर देना, एक ये कंसेप्ट हमें फेमिनिज्म बताती है कि इस तरीके से ढाल दिया जाता है कि खवातीन ऑटोमेटिक मार्जिनलाइज हो जाती है सोसाइटी में। एक कल्चरल हैबिट है जिसमें मेल एक्सपीरियंसेस को यूनिवर्सल दिखाया जाता है, इसको ये चैलेंज करती है। मेन एंड वेमेन आर नॉट बाय आर नाइदर बॉर्न मैस्कुलिन फेमिनिन, बल्कि सोसाइटी ये जेंडर को बना देती है। यानी एक सोशल कंस्ट्रक्शन है जिसपे हम पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्शन है और इसको चैलेंज करने की जरूरत है। ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो अडॉप्ट कर दिए जाते हैं वेमेन को कि आपने ये काम करना है, मेल ने ये काम करना, जिसकी वजह से जेंडर की आइडेंटिटी बन जाती है और ये चीजें बाद में उनको लिमिट करती हैं, उनकी प्रोग्रेस में, उनकी तरक्की में वजह बनती है। फेमिनिस्ट जो है उनका ये मानना है कि ये तमाम चीजें जो जेंडर रोल हैं फिर बाद में जस्टिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि हाँ खवातीन तो ये काम नहीं कर सकती, सो बिकॉज ऑफ दे डू नॉट परफॉर्म दीज टाइप ऑफ टास्क सो दे शुड बी लिमिटेड, और बिकॉज ऑफ दे आर इमोशनल दे शुड नॉट बी गिवन लीडरशिप रोल। तो तमाम ये वजूहत बुनियाद बनाकर एक मुसलसल इनइक्वालिटी बरकरार रखी जाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें कि फेमिनिज्म का एसेंस क्या है, फेमिनिज्म इज एक्चुअली इक्वालिटी अबाउट एवरीवन, इक्वल राइट फॉर मैन एंड वुमेन, नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट ऑल फॉर एवरी मैन एंड फॉर एवरी वुमेन। इट्स अबाउट रिस्पेक्टिंग द डाइवर्स वुमेन एक्सपीरियंसेस, देयर आइडेंटिटीज, देयर नॉलेज एंड स्ट्रेंथ, और तमाम वुमेन को उनकी एक्चुअल पावर को रियलाइज करने की जो है वो तकवीत बख्शने की तरफ बात करती है, जिसमें एजुकेशनल, हेल्थ, तमाम रोल्स के ऊपर बात की जाती है। तो अब ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज हैं फेमिनिज्म से रिलेटेड। अगर हम मजीद देखें, देखिए फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एक्चुअली ये भी देखती है कि किस तरह से खवातीन को टेक्स्ट में भी मार्जिनलाइज किया गया है, या ऐसे रोल दिए जाएंगे नॉवल, टेक्स्ट, ड्रामा में कि उनको इमोशनल, सेंसिटिव या रोने धोने वाला दिखाया जाएगा। तो ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि राइटर्स किस परस्पेक्टिव से, किस आइडिया से लिखना चाह रहा था। तो ये हम देखते हैं फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म के अंदर। इसके साथ साथ हम जब टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वुमेन आर अप्रेस्ड बाय पेट्रियार्की, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फ्रंट पे, यानी उनको अप्रेस्ड नजर आते हैं। तमाम अगर आप 18th-19th सेंचुरी के टेक्स्ट पढ़ लें तो उसमें हम ये चीजें नजर आती हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि इंटेंशनली एक स्ट्रक्चर के जरिए, जिसको मेजर स्ट्रक्चर पेट्रियार्की, कैपिटलिज्म या रिलीजियस बेस्ड आइडियोलॉजी एक काम कर रही है जो खवातीन को साइडलाइन करती है। तो हम तमाम चीजों का जायजा लेते हैं जब भी कोई ऐसा टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं। तो ये तमाम बात मैंने कर दी कि हर डोमेन में खवातीन को मार्जिनलाइज किया जाता है। तो ये एक डीप रूटेड पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जिसको कुछ लोग ये भी समझते हैं कि किस तरह से बिब्लिकल पोर्ट्रियल है ईव की, या एक इंपॉर्टेंट लिटरी टेक्स्ट का भी मैं आपको हवाला दूंगा कि किस तरीके से वुमेन को सेंसिटिव या इतना दिखाया गया ताकि उनको एक जो है वो स्पेशली सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाता था। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अक्सर लोग पूछते हैं कि क्यों इक्वल राइट दिए जाए, वो बुनियादी सतह पर उनको बराबर की हक हासिल है। तो एक ट्रैकिंग एक हम देखते हैं कि क्या ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें खवातीन के साथ स्पेसिफिकली एक सलूक होता है, एक प्रेजुडिस बढ़ती जाती है। तो वो आपके सामने है, जेंडर पे गैप, मेल की जॉब्स को प्रायोरिटी दी जाती है, फीमेल को डिस्करेज किया जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर में डिफरेंस आ जाता है, लीडरशिप पोस्ट में, यानी पूरे पॉलिटिक्स में आप देख लें, आप फीमेल पॉलिटिशियन कम है, मेल पॉलिटिशियन ज्यादा है, पॉलिटिक्स में, लीडरशिप, गवर्निंग पोस्ट पर, इंतजामी ओहदों पर, इवन के तमाम जो ऐसे होते हैं जिसमें खवातीन कमांड कर सकती हैं उनको नहीं दिया जाता। एजुकेशन के राइट्स, हायर एजुकेशन के कम होते जाते हैं, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन के जरिए उनको मोलेस्ट किया जाता है, जेंडर रोल्स लिमिटेड कर दिए जाते हैं, आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। इसी तरह वोटिंग राइट्स में एक्सक्लूजन वगैरह भी एक इंपॉर्टेंट राइट है। इसी तरह 19वीं सदी के, मुकम्मल 19वीं सदी में हम देख सकते हैं कि खवातीन को किस तरह से वरासत में से भी हकूक उसको लिए जाते रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसमें हम देखते हैं कि खवातीन को वी कैन ऑब्जर्व दैट हाउ आर वुमेन अप्रेस्ड इन आवर सोसाइटी। तो ये वो वजूहत है जिसकी बैकग्राउंड पे ये सारा फ्रेमवर्क काम कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स देख लें कि ये किस तरीके से इन टर्म्स के जरिए भी हम टेक्स्ट को स्टडी कर सकते हैं और टेक्स्ट में इन इन टर्म्स का इस्तेमाल करते हुए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे खवातीन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। अब एक इसमें है, एक टर्म है इंटरनलाइज्ड पैट्रियार्कल प्रोग्रामिंग। इंटरनलाइज पेट्रियार्कल प्रोग्रामिंग से मुराद ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम के जरिए ग्रो हो रहे हैं, हमारी नशोनुमा हो रही है, वी आर ग्रोन अप इन एनवायरमेंट दैट वी डू नॉट थिंक दैट वुमेन आर ट्रीटेड अनइक्वली और दे आर नॉट ट्रीटेड इन अप्रोप्रिएट मैनर। जैसा कि आप यूँ समझ लें, इसकी एक मिसाल यूँ समझ लें कि खवातीन को समझा जाता है कि ये मैथमेटिक्स नहीं कर सकती, या एक सेंसिटिव काम नहीं कर सकती, या डिफिकल्ट काम नहीं कर सकती। तो ये एक माइंडसेट बना दिया जाना, एक पेट्रियार्कल प्रोग्रामिंग, वी आर प्रोग्राम्ड इन अ वे टू थिंक दैट वुमेन आर इंफीरियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट मिसाल है। इंटरनलाइज सेक्सिज्म, अब सेक्सिज्म की अगर हम बात करें तो ये आपके सामने, सेक्सिज्म से मुराद ये किसी को भी जेंडर की बुनियाद पर जो है वो आइडेंटिफाई करना और जेंडर की बुनियाद पर उसको इंफीरियर समझना। तो ये हमारी चीजें आ जाती है। इस इंटरनलाइज सेक्सिज्म से मुराद ये भी आप समझ सकते हैं कि बाद वुमेन भी एक्चुअली वुमेन के अगेंस्ट काम कर रही होती है, और बगैर किसी
ऑप्रेसर की मौजूदगी में, जिसमें अक्सर एक बात कहा जाता है कि खवातीन खवातीन की दुश्मन, उसकी वजह कि वो नहीं जानती कि वो किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के तहत ही किसी दूसरी खातून को जो है वो ऑप्रेसिव तरीके से ट्रीट कर रही है। एम्बिवेलेंट सेक्सिज्म में दो बातें नजर आती है, एक हॉस्टाइल सेक्सिज्म और एक बेनोवेलेंट सेक्सिज्म। अब होस्टाइल सेक्सिज्म से मुराद ये है कि वेमेन को इनकॉम्पिटेंट या इंफीरियर समझना। अब ये टर्म जो है वो नियो सेक्सिज्म भी कहलाता है। नियो सेक्सिज्म से मुराद खवातीन को इनकॉम्पिटेंट समझना कि भाई ये काम तो कर ही नहीं सकती, ये इस काबिल नहीं है, तो ये हॉस्टाइल या नियो सेक्सिज्म आप समझ सकते हैं इसको। और बेनोवेलेंट सेक्सिज्म एक पॉपुलर ट्रेंड है जिसमें अमूमन ये रुझान दिया जाता है कि यस दे नीड मैंस प्रोटेक्शन बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, बिकॉज दे कैन नॉट हेल्प देमसेल्फ, बिकॉज दे नीड मैंस असिस्टेंस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज आइडियाज ये टर्म बड़ा पॉपुलर है, बेनोवोलेंट सेक्सिज्म, जो कि दरहकीकत में बाद में रिक्वायरमेंट करता है कि खवातीन सबमिसिव एटीट्यूड दिखाएं और मेन की प्रोटेक्शन जरूरी है उसके लिए, और अदरवाइज वेमेन का सर्वाइव करना मुश्किल है। तो ये एक टर्म जो है फिर तरक्की पजीर मुआशरों में एक सबमिसिव एटीट्यूड की डिमांड करता है, जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूस सर्कल है, एक विशियस सर्कल है जिसके से वो बाहर निकल नहीं सकती, ताकि जबकि फेमिनिस्ट की डिमांड करती है खवातीन को इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि टर्म्स डेंजरस हैं दोनों कॉन्सेप्ट्स, और इनकी इंडिपेंडेंट ग्रोथ में ये जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये अच्छे नहीं है वेमेन की इंडिपेंडेंट लाइफ के लिए। तो सेक्सिज्म बेसिकली एक ये आइडिया है कि एक रेस दूसरे से सुपीरियर, और ये हम अपने नोट भी करते हैं अपने व्यू पे। अब कुछ वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है जिनको जानना बहुत जरूरी है कि किस वेव में क्या राइटर थे, क्या कंट्रीब्यूशन थी। बहुत ही माइनर तरीके से मैं इसको गो थ्रू करूंगा, आई होप कि उसमें आप समझ लेंगे। फर्स्ट वेव बेसिकली वोटिंग राइट्स के मुतालिक थी, और इसको आप समझ सकते हैं कि इसमें लिबरल जो है वो फेमिनिज्म जो है वो बड़ी पॉपुलर थी, जो कि अपर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली वाइट वेमेन थी, जो कि वोटिंग राइट्स के ऊपर इनका फोकस था। उस दौर में हमें ये राइटर्स भी नजर आते हैं। ये बेसिकली सफ्रेजिस्ट मूवमेंट एक चल रही थी अमेरिका में, इंग्लैंड में, जो कि वोटिंग राइट्स से मुतल थी बेसिकली। सेकेंड वेव हमें 1960 से ऑनवर्ड नजर आती है, जो कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए मुतल थी, और खवातीन को जो डिस्क्रिमिनेशन का सामना है वर्किंग प्लेसेस पे उसके मुतल क्वेश्चन या उसके मुतल चैलेंज करने के मुतल थी। के बाद अगर हम थर्ड वेव के ऊपर बात करें जो 1990 से ऑनवर्ड है, जो कि एक परसीव्ड एक आइडियोलॉजीज या सेंट्रलाइज या यूनिवर्सल कंसेप्ट थे वाइट मैन की तरफ से, उनको चैलेंज करती है और बताती है कि किस तरीके से जो जेंडर है उसको मजीद डीकंस्ट्रक्ट करके, ब्रेक डाउन करके इंक्लूड किया जा सकता है अदर जेंडर्स को भी, और ये बताने के मुतालिक कि जो कंसेप्ट अपर मिडिल क्लास फैमिलीज ने या वाइट जो फैमिनिस्ट ने दिए हैं, उन्होंने वो काफी आइडियाज नहीं दिए। इसमें अफ्रीकन वेमेन को इंक्लूड नहीं किया गया, उनकी ऑपरेशन को नहीं दिखाया गया, इसमें एशियन वुमेन को नहीं दिखाया गया। तो एक जो यूनिवर्सैलिटी का जो कंसेप्ट था कि जिसमें सिर्फ वाइट फैमिनिस्ट जो है या वो ही अपने आइडियाज शो कर रही थी, इसमें इंक्लूजन ऑफ थॉट आ जाता है बहुत सारी। इसके साथ हमें 2006 से ऑनवर्ड मी टू मूवमेंट की भी एक हमें झलक नजर आती है, जिसमें इंटरनेट और मीडिया टूल के जरिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के मुतालिक भी जो है वो तवज्जो दिलाई गई कि किस तरह से खवातीन को अप्रेस किया जाता है वर्क प्लेस पे भी, और उनको जो है वो इंटेंशनली कॉर्नर किया जाता है ताकि वो तरक्की की राह में तरक्की ना कर सके, मतलब अपनी प्रोग्रेस ना कर सके। सो फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म अगर देखें 2012, इसका हमें नजर आता है एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और साथ साथ इंटरसेक्शनलिटी की बात करती है। इंटरसेक्शनलिटी से मुराद क्या है? इंटरसेक्शनलिटी से मुराद के मल्टीपल फ्रंट्स पे डिस्क्रिमिनेशन या प्रिविलेजेस का सामना करना पड़ सकता है, और ये किसी एक के लिए नहीं है, हर शख्स के लिए है। यानी इसमें मैन वेमेन दोनों इंक्लूड हैं, और इसमें जेंडर को एक प्रॉपर एक वो दिया गया, इंक्लूड किया गया, सिर्फ पर्टिकुलर एक सेक्स को नहीं टारगेट किया गया। इसमें डिस्क्रिमिनेशन एट मल्टीपल फ्रंट्स एट डिफरेंट एरियाज को टारगेट किया जाता है कि उनको प्रॉब्लम का सामना है। फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म में हमें साइबर फेमिनिज्म की बात भी नजर आती है, जिसमें वो फेमिनिस्ट राइटर्स या फेमिनिस्ट खवातीन, एकेडेमिया से ताल्लुक रखने वाली या कोई भी ऐसी जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, वो अपनी व्यूज को थियोराइज करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ साइबर टूल्स। तो ये हमें फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म, ये तमाम चीजें जो है वो नजर आती हैं, जिसको हम साइबर फेमिनिज्म वगैरह भी समझ सकते हैं। अब इसके बाद अगर टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म की बात करें तो कौन सी टाइप्स हैं और उनकी डेफिनेशन की डिमांड क्या थी, टू बी वेरी क्विक मैं डिस्कस करूंगा कि फर्स्ट वेव में हमें लिबरल फेमिनिज्म, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करती थी, और यहाँ पर इनकी डेफिनेशन ये थी कि जो सेक्स है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी, जबकि बाद में आने वाली जो मूवमेंट है जिसमें थर्ड वेव है उसमें जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें मैस्कुलिन फेमिनिन का कंसेप्ट जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें हमें सिमोन डी बेवोर की आइडिया कि वन इज नॉट बॉर्न अ वुमन, वन बिकम्स अ वुमन, तो कोई शख्स पैदा होते ही खातून ही होता, बल्कि सोसाइटी बना देती है उसको, उसको एक रोल अलॉट कर दिया जाता है, उसको एक ड्यूटी दे दी जाती है कि आपने आपका काम जो है वो रियरिंग ऑफ फैमिली है, आपका काम घर में रहना है। तो ये इसकी वजह से एक प्रोग्रेस जो है उसमें हमें स्लो नजर आती है। तो ये
चीजें हैं। अब इसके साथ साथ हर वेव के अंदर हमें रूट कॉज भी नजर चेंज आता है, लार्ज सोसाइटी, सोसाइटी या इंस्टीट्यूशन, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, या किस तरह से रेडिकल और सोशलिस्ट फेमिनिज्म जो कि 1960 से ऑनवर्ड का जो कंसेप्ट है उसमें कैपिटलिज्म या कुछ जिम्मेदार ठहराया गया, पेट्रियार्की तो शुरू से ही रही है ना। तो ये तमाम चीजें भी हमें नजर आती हैं इन तमाम कि किस तरीके से मुख्तलिफ वेव्स में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट आइडियाज डेवलप हुए और उन्होंने किन किन चीजों को फोकस करना शुरू किया। फोर्थ वेव से ऑनवर्ड हमें इंटरसेक्शनल अप्रोच नजर आती है, इसमें वो देखते हैं कि इंक्लूड्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज ए फैक्टर ऑफ ऑपरेशन, सजेस्ट अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी इन द सॉल्यूशन, तमाम हमें सॉल्यूशन भी साथ साथ दिए हुए नजर आते हैं। अब मजीद में टाइप्स के ऊपर अगर बात करूं तो बहुत ही मुख्तसर एक टाइप के ऊपर मैं एक डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमें बेसिक्स को पता चल गई कि फेमिनिज्म एक पॉलिटिकल और एक सोशल मूवमेंट है जो कि खवातीन और तमाम इक्वलिटीज, जेंडर्स की इक्वल राइट्स की डिमांड करती है। अगर हम देखें तो जो पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म है वो बेसिकली पॉपुलर डिस्कोर्स को चैलेंज करती है कि किस तरह से जो ताकत का इख्तियार है, वो ताकत का महवर है, वो किसके पास है और क्यों है, उसको वो डिकंस्ट्रक्ट या चैलेंज करते हुए वो प्रिसीडिंग जो फेमिनिस्ट थीरीज हैं उनको चैलेंज करती है, और वो कहती है कि किस तरीके से ये इनको डिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है और इसको इन आइडियाज में और ज्यादा इंक्लूजन ऑफ थॉट की जरूरत है, और ज्यादा जेंडर्स की के व्यूज जो है उनको इंक्लूड करने की जरूरत है। तो ये इन तमाम चीजों को डिस्कस करती है। इसके साथ अगर हम रेडिकल फेमिनिस्ट की बात करें तो वो बताते हैं कि किस तरह से रेप या वायलेंस या पोर्नोग्राफी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें खवातीन को जो है वो डोमिनेंट रोल नहीं मिलता और मैन जो है वो डोमिनेंट है। इसके साथ साथ ये स्ट्रेटजीज बताती है कि सेपरेशन ऑफ वेमेन ओनली कम्यून्स। इसके साथ साथ रेडिकल फेमिनिज्म जो है वो इस चीज पे जोर देती है कि किस तरीके से जो पेट्रियार्की है उसको मुकम्मल ही खत्म करने की जरूरत है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म वो कहती है कि सिर्फ पेट्रियार्की नहीं बल्कि कैपिटलिज्म जो है वो एक वजह है खवातीन को साइडलाइन करने की, किस तरह से तमाम कैपिटलिस्ट जो है वो मेल हैं और खवातीन को सबॉर्डिनेट पोजिशन पे रखा जाता है। तो ये हमें इसमें नजर आता है। फिर इसके अलावा लिबरल फेमिनिज्म बेसिकली अपर क्लास की थी, ये रेवोल्यूशनरी मेजर्स के अलावा ही एक ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर है उसमें काम रहते हुए खवातीन और मर्द जो है उनकी इक्वालिटी की बात करती हुई नजर आती है, ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेशन की बात करती हुई आती है। बेसिकली लिबरल फेमिनिस्ट से वो उनके वोटिंग राइट्स के मुतलिक या जो पे जेंडर पे गैप है उनके मुतलिक या लीडरशिप रोल के मुतलिक सवाल करते हुए नजर आते हैं। तो ये तमाम चीजें हमें मेजर जो है टाइप्स हैं उसमें नजर आती है। लेकिन याद रखिए कि फेमिनिस्ट का जो रोल है वो यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसमें बहुत सारी व्यूज है जिसमें हम देखेंगे स्कोप ऑफ फेमिनिज्म में कौन कौन से स्कोप्स हैं उनको डिस्कस किया जा रहा है एट प्रेजेंट। अब इंटरसेक्शनलिटी की बात मैंने की थी, इंटरसेक्शनलिटी से मुराद ये कि हर एक शख्स का एक यूनिक एक्सपीरियंस है जिसमें उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। एक वाइट वेमेन है, हो सकता है कि उसको जॉब तो अच्छी मिल जाए लेकिन उसको रिलीजन की बुनियाद पर किसी मुल्क में या किसी जगह पर उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़े। इसी तरह एक उसको एज के हवाले से या हेल्थ के इश्यू से प्रॉब्लम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो ये किम्बरले विलियम्स क्रेंशा ने ये टर्म कॉइन किया। इसमें हम ये भी देखते हैं कि एक ब्लैक मैन है उसकी सैलरी कितनी है, उतना ही काम करने के बाद वो $1 कमा रहा है जबकि व्हाइट मैन वही काम करने के लिए $1.25 कमा रहा है। तो ये तमाम चीजें यानी इंटरसेक्शनलिटी इन्वॉल्व्स दी अकाउंटेबिलिटी या एक्नॉलेजमेंट ऑफ ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑपरेशन। इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द पीपल लाइक मैन एंड वेमेन और डिफरेंट जेंडर्स कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है, एक अच्छा तरीका कार है ताकि ये देखने के लिए कि सिर्फ एक रेस को चैलेंज ना किया जाए बल्कि तमाम लोगों को देखा जाए कि द पीपल फेस मार्जिनलाइजेशन एट डिफरेंट फ्रंट्स, यानी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन मीट एन इंटरसेक्शन एट एनी वन लाइफ, किसी भी जिंदगी में कभी ना कभी उसको वो फेस करना पड़ते हैं और ये एक यानी रियलिटी है। अब कुछ अप्रोचेस का मैंने जिक्र किया था कि फेमिनिस्ट अप्रोचेस हैं, ये आपके सामने एंटी रेसिस्ट, सोशलिस्ट, क्वीर, रेडिकल, पोस्ट मॉडर्न, मार्क्स, ये तमाम अप्रोचेस हैं जिसमें मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ जावियों से जो है वो जो है ना वो देखा जाता है जेंडर को, सेक्स को और वेमेन के रोल को, मैस्कुलिन रोल को, ये तमाम चीजें। जैसे कि सोशलिस्ट जो स्कोप है फेमिनिज्म की वो फोकस करती है कि इकोनॉमिक ऑपरेशन के फीमेल ऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी से मुराद ये है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि किसी जगह पर अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं मेल फीमेल तो फीमेल आगे उनकी तरक्की के राह ही बंद है क्योंकि उनका कोटा नहीं है या उनके लिए सीट्स फिक्स नहीं है वगैरह वगैरह। इसी तरह क्वीर अप्रोच है, उसमें वो जेंडर और सेक्स वो कहते हैं कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है जिसके ऊपर हम बात कर चुके हैं सिमोन डी बेवोर की सेकंड सेक्स के हवाले से। तो ये तमाम चीजें भी हमारे नजर आती हैं। इसी तरह मार्क्सिस्ट अप्रोच है जो कि कैपिटलिज्म को ब्लेम करती है। तो ये तमाम चीजें अप्रोचेज को मजे नजर रखते हैं। जेंडर और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के हवाले से अगर हम बात करें तो जेंडर क्रिटिसिज्म एक वाइड रेंज अप्रोच है, यानी इसके अंदर मुख्तलिफ मैस्कुलिन अप्रोच को भी डिस्कस किया जाता है, फेमिनिन अप्रोच को भी डिस्कस किया जाता है, इसके अंदर
क्वीर यानी एलजीबीटी को भी डिस्कस किया जाता है। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बेसिकली फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिटरी टेक्स्ट को एनालाइज करने का तरीका है, लिटरी टेक्स्ट या डिस्कोर्स को एनालाइज करने का तरीका है। और ये बेसिकली फेमिनिस्ट थ्योरीज जो है उनको नजर इन फोकस में लाकर देखती है, जबकि जेंडर क्रिटिसिज्म एक वाइड रेंजिंग अप्रोच है जिसमें ना सिर्फ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव बल्कि मैस्कुलिन पर्सपेक्टिव, जो कि एक मशहूर पोइट रॉबर्ट ब्लाय जो है उनके बताए गए नजरियात के हवाले से जो है वो चीजों को देखा जाता है कि किस तरीके मैस्कुलिन अप्रोच, मैस्कुलिनिस्ट जो अप्रोच है उसको भी ऑब्जर्व किया जाए। तो जेंडर क्रिटिसिज्म में बेसिकली क्वीर थीरीज से भी कंसेप्ट को लिया जाता है जिसमें उन जेंडर्स को जो कि अपने आप को मेल या फीमेल के तौर पर यानी बाइनरी जेंडर के तौर पर रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को आइडेंटिफाई करवाते हैं, उनको इंक्लूड करना शामिल है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम देखते हैं किसी भी लिटरी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, तो हम कौन से क्वेश्चन हमारे जेन में आ रहे होते हैं, उनको हम कैसे देखते हैं और आइडेंटिफाई करते हुए हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तो वो हम सवाल देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से फीमेल करेक्टर को दिखाया गया, मेल करेक्टर को कैसे क्या रोल दिया गया। अब इसमें एक बड़ी मशहूर स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी बटन बटन। अब बटन बटन रिचर्ड मैथिसन ने लिखे, जिसमें एक खातून है नॉर्मा, उसको कौन सा किरदार दिया गया, उसको कैसे इमोशनल दिखाया गया, उसको ग्रीडी नेचर का दिखाया गया, और जबकि आर्थर को एक हीरोइक करेक्टर के तौर पर दिखाया गया, और आर्थर का रोल वही है जो एडम का रोल है, और इसी तरह नॉर्मा का रोल वही है जो बिब्लिकल स्टोरी ईव का रोल हमें नजर आता है। तो ये इस तरीके से हम ऑब्जर्व करते हैं कि वेमेन को पोर्ट्रे ही ऐसे किया जाता रहा है टेक्स्ट में, पॉपुलर डिस्कोर्स में, कि जिसमें उनकी सबसर्वियंट या सबऑर्डिनेट पोजीशन को डिपिक्ट किया जाता है और मर्द को एक हीरोइक कैरेक्टर दिखाया जाता है। तो ये इन चीजों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। और इसके साथ साथ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर हम जेंडर रोल तब्दील कर दें, नॉर्मा को आर्थर का और आर्थर को नॉर्मा का रोल दे दें इसी शॉर्ट स्टोरी बटन बटन में, तो स्टोरी के ऊपर क्या इफेक्ट नजर आएंगे। तो इस तरीके से हम इन तमाम चीजों को देखते हैं। हाउ आर मेल एंड फीमेल रोल्स डिफाइंड, आर्थर कौन है, राइटर कौन है, मेल पर्सपेक्टिव से लिख रहा है, फीमेल पर्सपेक्टिव से लिख रहा है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, क्या चीजें जो है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को दिखा रही हैं, इसके अलावा करेक्टर्स क्या इन ट्रेड्स को शो कर रहे हैं, इसके अलावा खवातीन जो है वो किस तरीके से पेट्रियार्की के जरिए ऑप्रेस्ड हैं, मेल की डोमिनेंस कितनी ज्यादा है, पॉलिटिकल या सोशली इकोनॉमिक स्फीयर पे वुमेन को कैसे साइडलाइन या मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो ये तमाम चीजों को हम ऑब्जर्व करते हैं, और जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम मुख्तलिफ थ्योरिस्ट जो हैं उनके पर्सपेक्टिव्स के जरिए हम जो है इन किसी भी लिटरी टेक्स्ट को जायजा लेते हैं, उनके हवाले देते हैं, उनके उनके उनकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, और फिर हम अपने नतीजे पे पहुंचते हुए कोई ना कोई नतीजा आखज करते हैं कि किस तरीके से वेमेन का जो रोल है वो लिमिटेड है या इंडिपेंडेंट रोल है, या उसके अंदर एक ये कंसेप्ट आ रहा है। और साथ साथ हम फेमिनिस्ट की जो वेव्स हैं उनको भी नजर रखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी पोजीशन वाजे करते हैं जब भी हम कोई रिसर्च आर्टिकल या कोई भी थीसिस लिख रहे होते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये जो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के ऊपर हमारा जो है वो लेक्चर खत्म होता है। अगर कोई इस मुतल्लिक कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं। मजीद रेफरेंसिंग के लिए आप इन किताबों का या इन वेबसाइट्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा लेक्चर यहाँ पर इख्तिताम पर होता है। कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता सकते हैं। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।